सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करते हैं, दोस्तों अगर आप भी इंस्टाग्राम अकाउंट यूज करते हैं और अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को पेज बनाना चाहते हैं, यानी इंस्टाग्राम नॉर्मल अकाउंट को पेज कैसे बनाएं, तो दोस्तों अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर पेज बनाना है तो मेरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों मोबाइल के होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको प्रोफाइल फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप भी देख सकते हैं एक नॉर्मल अकाउंट है, यानी नॉर्मल अकाउंट से पेज बनाना है, यानी इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाएं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको टॉप कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा थ्री लाइन का ऑप्शन, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर पर देखने को मिल जाएगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नीचे की तरह स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बिजनेस टूल्स एंड कंट्रोल्स है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट है, सिंपल सा आपको स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको कोई एक क्रिएटर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आप कोई क्रिएटर सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप डाउन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको 30 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों वेट करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएटर और बिजनेस। क्रिएटर पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको क्रिएटर पर क्लिक करके आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्रिएटर पेज बन जाएगा। तो आप बिजनेस पेज बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आप कोई भी पेज सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी क्रिएटर पेज और बिजनेस पेज में से कोई भी पेज बना सकते हैं, प्रोसेस सेम है इसके लिए सब। तो दोस्तों बिजनेस बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बिजनेस पर क्लिक करके आप यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर शो हो गया है। दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन, यानी आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर अपने फ़ोन नंबर को दिखाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फ़ोन नंबर शो हो जाएगा। और आप शो नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कनेक्ट टू फेसबुक है। अगर आप फेसबुक यानी इंस्टाग्राम पेज को फेसबुक से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको लॉग इन टू फेसबुक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अदरवाइज आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पूरी तरह से देख सकते हैं आपका इंस्टाग्राम पेज बनकर रेडी हो गया है, यानी इंस्टाग्राम पेज पूरी तरह से बन गया है। यहाँ से आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर लेना है। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन शो हो गया है, यानी आप इस तरह से इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।